सरकार को छोड़ दीजिए, आज जो हमारे बीच बैठे आदरणीय गुरुजी, जिनकी उम्र अभी 80-84 साल हो रहा है, इन लोगों ने इनको भी नहीं बख्शा, इनके ऊपर भी एक इन प्रकार इनके ऊपर दोषारोपण करने का काम प्रारंभ कर दिया इन विरोधियों ने। खैर कोई चिंता नहीं, हम लोग ऐसे चीजों से और इस तरीके के हालात को आज से नहीं, अंग्रेजों के जमाने में देखते आ रहे हैं। इससे डरने घबराने की जरूरत नहीं है, इससे संघर्ष करने की जरूरत है। अभी तो हम लोगों ने इनको कुछ पलटवार किया ही नहीं, समय आने दीजिए। हर आरोप और हर षड्यंत्र का हम सब लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसा एक अदना सा पार्टी, छोटा सा क्षेत्रीय दल, भारतीय जनता पार्टी और नेशनल पार्टी जैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देती है। इसलिए साथी, आज जयंती दिवस निश्चित रूप से हम लोगों के लिए गौरव का दिवस है। आदरणीय दुर्गा सोरेन जी जिस कर्मठता से, जिस संवेदनशीलता के साथ पार्टी के प्रति अपने आप को उन्होंने समर्पित किया, और निश्चित रूप से अब जो इन लोगों को हम लोगों ने सत्ता से बेदखल किया है और जिस तरीके से सरकार की बकाए, सरकार का जो लूटा हुआ धन संपत्ति को यहां से ले जाया गया है, उन सब को वापस लाने का काम किया जाएगा। इसलिए हमें अपनी राजनीतिक ताकत को और मजबूत करने की आवश्यकता है। गांव पंचायतों में, मोहल्लों में, शहरों में, वार्ड में कार्यकर्ता सक्रियता के साथ काम करें, सरकार के उपलब्धियों को लोगों के बीच में पहुंचाएं, सरकार के योजनाओं का लाभ उनको दिलवाएं, ताकि जो लोग खाली बैठे हैं उनको हम सब रोजगार उपलब्ध करा पाएंगे।